अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कल्सी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद दोस्तों, मेजर कल्सी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आइए डिफेंस के सपने को साकार करने के लिए मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता थे। ऑप्शन दे रखे हैं एडिसन, न्यूटन, फेराडे या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोजकर्ता न्यूटन थे। इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, एक समान वेग से गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गति एक सरल रेखीय पथ के अनुदिश है, गति सदैव एक ही दिशा में है, विस्थापन का परिमाण लेस देन और इक्वल टू तय की गई दूरी के बराबर होता है, और चौथा दे रखा है औसत वेग बराबर तत्कालिक वेग। अगर आप औसत वेग समझने का आप कोशिश करें तो औसत वेग हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये हमारा औसत, और हमारा जो तत्कालिक वेग होता है बेटा वो होता है हमारा डी एक्स बाई डी टी। किस उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका विस्थापन क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तत्कालिक, तो डी एक्स बाय डी टी। तो कभी भी औसत जो वेग होता है हमारा तत्कालिक वेग के बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, लास्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी साइकिल की चाल बढ़ाने के लिए पैडल मारता है तो गियर वाले पहिए पर लगने वाला घर्षण बल, ऑप्शन दे रखे हैं आगे की दिशा में, पीछे की दिशा में, कोई घर्षण बल नहीं लगते, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जब भी गियर वाले पहिए पे बात होगी और साइकिल को आगे बढ़ाया जा रहा है, पैडल मार रहा है, तो घर्षण बल हमेशा आगे की ओर लगेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहां पर होती है। पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कि प्रत्येक स्थान पर समान होती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम बेटा ध्रुवों पर पाई जाती है, तो जी डैश बराबर जी होता है वहां पर, जिसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटा, पानी से भरा एक नाद की इसी स्प्रिंग तुला पर रखा है, यदि हम नाद को छुए बिना पानी में अपना हाथ डालते हैं तो तुला का पाठ्यांक यानी जो उसका रीडिंग होगा वो कितना हो जाएगा। तो जैसे हम पानी में हाथ डालेंगे तो उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं, इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शन, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का मेजर कल्सी क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बेटा बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय मौर्य आपके लिए लेके आया हूँ अर्थमेटिक का एक मॉडल पेपर, और आप जानते हैं कि आपके इस एग्जाम में 15 क्वेश्चंस अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं, अंकगणित से पूछे जाते हैं, तो ये 15 क्वेश्चन हम आपके लेके आए हैं एज ए एग्जाम पैटर्न। जैसे आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, जिस लेवल का होता है, उसी पर लेके क्वेश्चन आया हूँ। और बेटा ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो है और इसके प्रति यूज होने वाले इसके में से प्रत्येक कॉन्सेप्ट का यूज आपके अपकमिंग एग्जाम में जरूर होगा। यूँ कह सकते हो 100% आपके एग्जाम में इससे हेल्प होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने मॉडल पेपर पर। ये आपका मॉडल पेपर है, देख रहे हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक 85 सेंटीमीटर
85 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में इस प्रकार काटा गया है कि एक हिस्से की लंबाई दूसरे हिस्से की लंबाई के की दो तिहाई है, तो छोटे हिस्से की लंबाई आपसे पूछी गई है। इट मीन्स बेटा आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, तो आइए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। सपोज करिए कि ये आपका क्या है, सपोज कर लो बेटा कि यही आपका एक रॉड है, एक वायर है, ये यही आपका एक वायर है ए बी, ठीक है बेटा। तो इसमें कहा जा रहा है कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर इस टाइप से किया जा रहा है कि पहला पार्ट मान लेते हैं अगर एक्स है, पहला पार्ट एक्स है, तो ठीक बेटा इसका टू थर्ड पार्ट आप जो है क्या बेटा, टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, ये बात समझ गए। एक बेटा आपका क्या है 85 सेंटीमीटर लंबा वायर है, इसको इस प्रकार से काटा गया है कि एक हिस्से की लंबाई जो है दूसरे के हिस्से की लंबाई की दो तिहाई है, यानी आप यूँ समझ सकते हो बेटा यहाँ से क्या मिला, एक हिस्सा तो आपको ये मिला x हुआ, और यानी फर्स्ट वाला अगर हिस्सा हुआ तो ये सेकंड वाला हिस्सा हो गया बेटा, ठीक है, ये दो हिस्से हैं। और आपसे पूछा गया है इसमें से छोटे हिस्से की लंबाई क्या होगी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बेटा देखो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हो तो x प्लस टू थर्ड, क्या बेटा टू थर्ड ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, यही 85 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों का सम ही बेटा क्या होना चाहिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 3x प्लस 2x बेटा क्या हो गया 5x, 5x इक्वल टू बेटा 85 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 85 इंटू 3 बाई 5 आ गया, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आप देखिए छोटा हिस्सा क्या होता है ये आपको देखना है, छोटा हिस्सा बेटा आपको पता है टू थर्ड ऑफ x होगा, टू थर्ड पार्ट ही इसका होगा। अगर यहाँ से बात करते हैं, चलिए हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये 17 हो गया और क्या हो गया 17 त्रिक बेटा 51 हो गया, कितना हो गया 51 सेंटीमीटर हो गया। और अब ये तो 51 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको मिल गई रॉड की, यही आपका 51 हो गया। अब रिमेनिंग तो यही बचा, रिमेनिंग अगर 85 में से आप 51 माइनस करते हो बेटा तो ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया, यानी 34 सेंटीमीटर आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी की बेटा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा यहाँ पर देखिए, ये बेटा सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई बेटा। अगर सपोज कर लो बेटा इसको अगर आपने x कर लिया, क्या कह दिया बेटा, इसको अगर x आप कर देते हैं तो ये आप इसको ट्रांसपोज करते हो तो देखो क्या लिखते हो, x अंडर रूट x इंटू 1.89 इक्वल टू बेटा 189 आपको डायरेक्टली मिलेगा, और अंडर रूट x की बात अगर आप करते हैं तो 189 अपॉन 1.89 मिलेगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले बेटा तो क्या हो जाएगी 100 मिलेगा, और अंडर रूट x की वैल्यू आपको जान रहे हैं 100 मिल गया, तो आपको x फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द x, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10,000 हो जाएगा बेटा, इस केस में आपका ऑप्शन बी सही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। आपसे ये बेटा एक नंबर दिया गया, वह छोटी से छोटी संख्या जिस पे आप जिसको 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 को गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब आप इस कॉन्सेप्ट को जरा देखिएगा, ऑलरेडी ये दो संख्या कोई दी गई है जिस संख्या में बेटा आपका 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7 ये लिखा हुआ है, और परफेक्ट स्क्वायर के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि पेयर बनना ज़रूरी है, संख्याओं का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसमें पेयर बनना ज़रूरी है, अगर पेयर बनेगा तो संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ से देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2 रहेगा ही, इस 6 को बेटा हम 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं, ये आपका 7 इंटू 7 है। अब पेयर की बात जैसे मैं कर रहा था तो यहाँ आप देख रहे थे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 का पेयर बन रहा है, 3 आपका एलोन है, अगर इसमें आप 3
थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी एक पेयर बन जाएगा, यानी दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसका मतलब हुआ कि छोटी से छोटी संख्या जो रिक्वायर्ड है, जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, वो है संख्या क्या, वो संख्या आपकी थ्री। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए बेटा, ये आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको आप अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बेस पर अगर इसको डिस्कस करते हो, देखिए क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर इसको हमने ये कहा, ये भी ये हुआ, ये बी हुआ, ये भी बी हुआ, ठीक है, माइनस साइन रहेगा आपका, ये हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आप देखिए क्या मिल, अगर इसकी बात आप करते हैं तो आपको गेन क्या हुआ, अगर आप देखते हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हो गया। और जब डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1.1 माइनस 0.924 दिख ही रहा। अब आप थोड़ा सा इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। अगर हम लोग इसकी बात कहने का मीनिंग क्या हुई, जरा आप देखिएगा, जब हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते, तो हम लोग बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखते इन टू में, क्या लिखते, ए माइनस बी अपान इंटू ए प्लस बी अपान आपका 1.1 माइनस 0.924 रहने दीजिए। ठीक है, अब आप ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, देखिए क्या मिलता है, ये 0.0538 माइनस 0.462 हो गया, ये वन ब्रैकेट की क्वांटिटी हो गई। अगर रिमेनिंग की बात अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 0.38 प्लस आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, 0.462 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। और अपान अगर आप करते हैं, अपान में यही संख्या मिलती है बेटा, अगर इसमें से अगर आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है अभी रहने दीजिए 1.0924 इतना है। अब आप देखो बेटा, इसमें से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आपको क्या गेन होता है। पहले हम लोग उस संख्या की बात करते हैं, देखो बेटा अब 8 में से 2 आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा, क्लियर। और देखो बेटा 3 में से बेटा 4 आप माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सॉरी बेटा 3 में से आपको 6 माइनस करना है, यानी 13 में से 6 माइनस करना है तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 7 मिल गया, ये क्लियर हो गया। फिर देखो बेटा यहाँ 4 माइनस 4 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ये आपका 0.0 हो गया, ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब इन दोनों को जरा आप ऐड कर लेते हैं, इसको जैसे ही आप ऐड करोगे, देखो 8 2 10 हुआ बेटा, 6 3 9 1 10 हो गया, 5 4 9 1 10, यानी बेटा यहाँ पर 1 मिलेगा। अपान क्या हो गया, अपान की बात करते हो बेटा, इसमें से जरा इसको माइनस करिए, देखिए तो यहाँ पर 6 आएगा बेटा, यहाँ पर 7 आएगा और 0 हो जाएगा, यानी ये भी 0.076 हो गया बेटा। ये आपका कैंसिल हुआ, ओवरऑल आपका सलूशन क्या आया, 1 आ गया, यानी ऑप्शन सी सही होता है बेटा। इस टाइप से अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के यूज से बेटा ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है कि इन एन एग्जाम ईच स्टूडेंट चूजेज मैथ्स और साइंस और बोथ, 80% स्टूडेंट चूजेज साइंस, नंबर ऑफ मैथ्स स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द साइंस स्टूडेंट्स, इफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर 1000, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज मैथ्स एंड साइंस बोथ। क्लियर है, यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन में आपके सामने ये क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्लियर, कि एक एग्जाम है, एक एग्जाम में क्या करते हैं बेटा, जो जिसमें से प्रत्येक विद्यार्थी ने गणित या विज्ञान या दोनों विषय लिए हैं, और जिसमें से 80% छात्रों ने साइंस लिया है, कितना लिया है, 80% छात्रों ने साइंस लिया है, जबकि गणित विषय वालों की संख्या विज्ञान लेने वाले छात्रों की संख्या की आधी है, इसका मतलब क्या है, विद्यार्थियों की संख्या 1000 दी गई है तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं। चलिए आइए आपकी बात मैं करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये आपका बेटा अगर हम बाई वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोशिश करें तो शायद हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए कैसे करेंगे, आप देखिए, अगर ये मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि अगर टोटल 100 स्टूडेंट थे, क्या थे, टोटल 100 स्टूडेंट्स। अब आप इस बात को समझना बेटा, यहाँ पर इसको अगर हमने मान लिया, क्या मान लिया, इसको अगर हमने साइंस मान लिया और इसको हमने मैथ्स मान लिया, क्या ले लिया,
साइंस ले लिया और इसको मैथ्स ले लिया। अब आप समझना ये वाला जो एरिया है दोनों में है, यानी इसमें साइंस भी है और मैथ वाले भी बच्चे हैं। यानी इस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं आपके सामने जो साइंस भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ मैथ भी पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहला कॉन्सेप्ट बेटा, इन्हीं बच्चों की संख्या को अगर हम यक्स मान लेते, यक्स पर्सन मान लिया जाए, तो सीधी सी बात है बेटा एक्स हो गया। क्या हो गया? एक्स हो गया। अब आप इस बात को थोड़ा सा माइंड करना, कुछ ने क्या कहा है, साइंस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं टोटल 86% का मतलब आप समझ रहे हो बेटा, ये टोटल 86% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टोटल 86% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है आपके सामने क्वेश्चन होता है कि ये एक्स बच्चे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि केवल साइंस पढ़ने वाले बच्चे, तो इसको आप लिखेंगे 86 - x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस एक्स की काउंटिंग बेटा दोनों तरफ हो रही है, यानी ये कॉमन वाले बच्चे जो साइंस भी पढ़ रहे हैं और ये कॉमन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात ये हो गई कि जो मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी संख्या बताई गई आपकी, क्या बताई गई है कि जो मैथ विषय लेने वाले विद्यार्थी हैं वो साइंस विषय लेने वाले कैंडिडेट की संख्या की आधी है। अगर आधी की बात मैं करता हूँ तो 86 का जब आप हाफ कर देते हो बेटा तो क्या मिलता है, 43 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 43। अब आप ज़रा सोचिए, कहने के लिए ये पूरा राउंड सर्किल आपका मैथ का दो दिख रहा है बेटा, इसमें 43% हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्वेश्चन ये है बेटा कि इसमें से ये एक्स भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो अगर यहाँ पर अगर हम केवल मैथ पढ़ने वाले की बात करते तो 43 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43 - x हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो टोटल 100% आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100%। यही आपका है क्या बेटा, टोटल 100%। इन तीनों को ऐड करके और क्या करेंगे, इस संख्या के बराबर आप कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, आप क्वेश्चन जरा देखिए, यहाँ से 86 - x किया, प्लस एक्स किया, प्लस आपका 43 - x हो गया। ये आप समझ रहे हैं, ये आपका कैंसिल हुआ, पहले इन दोनों को ज्वाइन कर लेते बेटा। ये क्या हो गया आपका, हो गया 6 - 3 - 9 हो गया बेटा। ठीक है, और 8 - 4 - 12 हो गया। कितना हो गया बेटा, इतना हो गया। ये बात समझ रहे हैं, -6 - 3 - 9 - 8 - 4 - 12 -x बराबर क्या होगा बेटा, ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आप बात यहाँ से करते हैं बेटा, x बराबर जब आप निकालोगे तो 29% आ जाएंगे बेटा। क्या जाएगा? x की वैल्यू जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको 29% आ गई। अब यहाँ से ज़रा देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चे हैं जो दोनों विषय लिए हैं, और दोनों बच्चों के जो दोनों विषय लिए हैं उनकी संख्या आपने मान रखी है कितना, x, और इसी x की वैल्यू आ गई बेटा 29% आ गई। इसका मतलब है टोटल संख्या जो हमारे पास 1000 है, इसका आप डायरेक्टली अगर 29% निकाल दोगे बेटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी 290 रुपीज आ जाएगा, और यही 290 रुपीज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस टाइप से बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा आपको क्या करना है, लॉजिकली बेटा इसको सोचना है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जरा आप देखिए इसमें क्या है, एक बिजनेसमैन है, प्रिंटेड 20% इंस्टा ऑफ हिज कास्ट प्राइस। जरा देखो बेटा क्या कह रहा है, एक व्यापारी है जो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से क्या करता है, 120% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो बेटा अगर उस बिजनेसमैन की जो CP है अगर वो 100 रुपी होती है, तो जो मार्क प्राइस होता है जिसको हम लिस्ट प्राइस कहते हैं, इसी को बेटा हम लोग अंकित प्राइस मूल्य भी कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हो जिसको हम लोग प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंटेड प्राइस भी कहते हैं। इसी को बेटा ये आपका मार्केट क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहलाती है। यही हो गई बेटा आपकी कितना, 120, क्योंकि उसने कहा कि इससे 20% मोर देन वो उस पर प्रिंट करता है। फिर क्या कहता है बेटा, यानी क्या हुआ, बात समझने की कोशिश करना भाई। देखो 20% मूल तो अंकित कर दिया, यानी एक्स्ट्रा कर दिया, ज़्यादा लगाया। यदि वो नगद भुगतान के लिए अब 5% का छूट दे, छूट किस पे देगा, छूट इसी बेटा लिस्ट प्राइस जो, यानी जो मार्क प्राइस है, जो अंकित है, प्रिंटेड प्राइस है, उसी पर छूट देगा।
तो 5% छूट देने के बाद पूछा जा रहा है कुछ बिजनेसमैन को कितना प्रॉफिट होगा, यानी आप समझ रहे होंगे। अगर यहीं से बेटा ये आपका एसपी निकाल लेता हूँ तो एसपी क्या होगा इसका बेटा, जो एमपी हमारा है एमपी 120 इसका क्या होगा 95% होगा, बिकॉज बेटा 5% का डिस्काउंट उसे मिल रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली बेटा अगर 95% अगर आप निकाल देंगे, देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये कैंसिल हो गए बेटा, हो गया ना, इसके आप 5 से डिवाइड करोगे 19 हो गया, ये आपका 2 हो गया, इसको आप करेंगे बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। 19 छक्का आपका 114 हो गया, कितना हो गया बेटा 114, यानी 19 में 19 से मल्टीप्लाई किया 114 हो गया। अब आप इनके बीच का डिफरेंस देखो बेटा क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस 100 रुपये की सीपी थी और 114 रुपये पर होता है बेटा, यानी 100 हो गया, यानी क्या कि धीरे डायरेक्टली अगर आप बात करते हो डायरेक्टली बेटा उसका लाभ परसेंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन हैज़ टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, कहने का मतलब क्या कह रहा है बेटा, एक ट्रेन है क्या करती है, ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, कितना करती है 360 किलोमीटर की ये डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल करती है, ये आपका है। ठीक है, चलिए अब उसमें क्या है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इट कवर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर। अब आप जरा देखिए 1/3 इसका अगर आप 360 का 1/3 निकालेंगे, 360 का बेटा 1/3 निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो गया 120 हो गया, यानी 120 अगर मैं मानता हूँ सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक, यही आपका 120 किलोमीटर हो गया। और इस 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को वो ट्रेवल किससे करता है बेटा, वो करता है 30 किलोमीटर पर आवर से, किससे करता है 30 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ स्पीड उसकी है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर, ये बात समझ गए। फिर क्या कहता है बेटा आगे, चलिए आगे आपका दिया है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20। अब 1/4 इसका बेटा 360 का जब आप 1/4 पार्ट निकाल दोगे ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 90 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक अगर बात करते हो आप, ये 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस आएगी बेटा वो किससे कवर करता है, वो कवर करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, किससे करता है 20 किलोमीटर पर आवर से, ये बात आप समझ गए। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, क्या कहता है, कहता है कि शेष दूरी हुआ क्या करते हैं बेटा, शेष दूरी क्या करता है वो, शेष कवर इन 6 and 1/2 आवर्स में, शेष को दूरी को क्या करता है बेटा 6.5 घंटों में तय करता है। ठीक है, क्या करता है, शेष दूरी को 6.5 घंटों में तय करता है, यानी बेटा यहाँ से अगर आप बात करते हो 6.5 दूनी 12 यानी बेटा क्या कर सकते हो 13/2 आवर्स कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, क्या है बेटा कि औसत चाल आपको बताना, ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी बेटा। तो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है बेटा यहाँ पर, वो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हो बेटा सीधे सीधे टोटल डिस्टेंस लिखते हो अपॉन टोटल टाइम लिखते हो, क्या लिखते हो बेटा टोटल टाइम लिखते हो, ये समझ रहे होंगे। अब कुल दूरी तो ऑलरेडी बेटा आपके पास पता है कितना है, 360 ही है, कितना है 360 है, और आप जानते ये भी जानते हो बेटा, क्या जानते हो, ये 360 किलोमीटर है। अब यहाँ से 120 किलोमीटर बेटा जब 30 से वो ट्रेवल करेगा, 30 चौका 120 यानी यहाँ पर 4 घंटे लगेंगे, ये सीधे सीधे हो गए बेटा पहला समय। अब आप देखिए इस 90 किलोमीटर की डिस्टेंस बेटा 20 से जब वो तय करेगा, किससे तय करेगा बेटा 20 से तय करेगा, तो समय क्या हो जाएगा 0 0 से कैंसिल बेटा 9/2 आ गया, 9/2 आवर आ गया, ये बात समझ गए। अगला बेटा आपके पास 13/2 आवर ऑलरेडी था, ये समय दे रखा था, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, ट्रेन की क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये आपको हो गया बेटा 8 हो गया, ये प्लस 9 हुआ, ये आपका 13, यहाँ आपने क्या कर दिया इनटू आ गया, ये तो क्लियर हो गया बेटा। आप देखिए आप जानते हैं 9 8 17 हुआ, 17 3 20 10 30 हो गया बेटा, यानी आप यू समझ सकते हैं 360 into 2 अपान बेटा क्या हो गया 30 हो गया, ये आपने कैंसिल कर लिया, ये क्या हो गया 120 हो 12 हो गया बेटा, इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 किलोमीटर पर आवर हो गया।
अब आप अपने आंसर को देखते हैं, आंसर में क्या है। आंसर में आपने देखा क्या है, देखा बेटा 24 किलोमीटर पर आवर, इट मींस क्या हुआ, ऑप्शन बी इज राइट बेटा। इस टाइप से हम क्वेश्चन एवरेज का निकालते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिस नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। जरा देखो बेटा, आपका अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7-8 है बेटा। जरा देखिएगा क्या है, 600 रुपए की क्या बेटा प्रॉफिट हुई है, जो तीन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसका रेशियो है 4:5:3 है। तो आपसे पूछा गया है क्या डिफरेंस है बी और सी के रेशियो में, किस में बी और सी के रेशियो में क्या डिफरेंस है, यानी प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। आप समझिए बेटा, क्वेश्चन समझना क्या है, ये 600 रुपए का क्या हुआ, सॉरी 6000 का बेटा का क्या हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ कहीं पर, जो ए बी सी तीन लोग थे बेटा, इनमें डिवाइड हो रहा था 4:5:3 के रेशियो में। आपसे पूछा क्या गया, बी और सी के बीच के डिफरेंसेस को पूछा गया, बी और सी के बीच का क्या है बेटा डिफरेंस पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो बेटा, पहले अगर हम इनके लाभांश में डिफरेंस जानना चाहते हैं, बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना बेटा 2 यूनिट का है, कितना है 2 यूनिट का है। सीधे सीधे आप क्या करेंगे मालूम है, इस 6000 रुपीज़ का बेटा इंटू 2 करेंगे, अपान क्या करेंगे 5 4 9 3 बेटा 12 कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे 12 5 बेटा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 5 60 हो जाएगा, इस 500 × 2 हो जाएगा बेटा, यानी आपको मिलेगा क्या 1000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इट मीन्स राइट ऑप्शन इज डी बेटा, क्या हो गया राइट ऑप्शन इज डी, ये बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या ले, ए पर्सन एक आदमी है जो 5500 रुपये बेटा उधार लेता है 24% पर एनम, यानी 24% पर एनम से लेता है, लेकिन क्या करता है वो अपने एक दोस्त को, अपने एक फ्रेंड को बेटा 36% पर एनम के रेट से दे देता है। तो आपसे पूछा जाता है आफ्टर 2 ईयर्स क्या है, वो अपने दोस्त से ले लेता है अमाउंट, और क्या करता है वो बेटा जिस पर्सन से लिया है उसको रिटर्न कर देता है। फाइनली आपसे पूछा जाता है कि वो पर्सन कितना अर्निंग कर लेगा, इट मींस क्या हुआ बेटा, जो रुपए है आपका, कहने का मतलब क्या बेटा, जो मनी बारोड की जा रही थी वो की जा रही थी बेटा 5500 रुपीज़ थी, इसको क्या करता बेटा वो 24% पर एनम से लेता है, लेकिन इसको क्या करता वो 36% पर एनम पर दे देता है, और टाइम बेटा 2 ईयर्स के लिए लेता है, कितना 2 ईयर्स के लिए। अब आप क्या पूछ रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हो जाता है। अब जरा सोचो बेटा, 24% पर उसने लिया है, 36% पर दिया है, तो यहाँ से 24% जो अर्निंग होगी वो तो इसको दे देगा, बचेगा कितना इनका डिफरेंस 12% का, तो जो 12% रेट से इस 5500 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, जो ब्याज होगा, वही उसके लिए क्या होगा बेटा टोटल फ़ायदा हो जाएगा 2 साल में। इसका मतलब समझ गए आप बेटा, आपका प्रिंसिपल कितना है 5500 बेटा, और डिफरेंस रेट का कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस जो आया बेटा वो कितना आया 12% पर एनम का आया। यहाँ पर बेटा 12 लिखेंगे आप, 12 लिख देंगे अपन 2 ईयर्स के लिए बेटा, ये आपने 100 कर लिया, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 5 60 हुआ बेटा, 12 5 60 प्लस 66 हुआ, इनटू आपने 2 कर लिया बेटा, ये आपका 0 हुआ, 6 2 12 1 13, यानी बेटा रुपए जो उसको प्रॉफिट हुए इस टाइप से करने में 1320 रुपीज़ हो जाते बेटा, ठीक। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये है बेटा अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या बेटा एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 10 सेंटीमीटर तथा बेटा इसका कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर और आपसे क्या पूछा इसका क्षेत्रफल। तो आप सीधे सीधे जानते हैं, ये आधार दिया है 8, यह है 10, इसका मतलब है क्या होगा बेटा 6 होगा, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग 6 8 10 का होना चाहिए कॉम्बिनेशन, जो सीधे सीधे आपको दिख रहा है बेटा। एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट आप लिखते हैं, तो यहाँ पर से बेटा आपका क्या हो गया 4 हो गया, इससे आपको मिल जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन सी इज राइट बेटा।
क्या हो गया, ऑप्शन सी राइट। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से बेटा देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए बेटा, यक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी गई है और आपसे यक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पूछी गई है, ये बात आप समझ रहे हैं। तो सिंपली अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, अगर आप समझें, आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप लिखते हैं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, क्या लिखते हैं माइनस बेटा, हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पर, प्लस फोर ए बी लिख देते हैं। एक तरीका तो ये रहा बेटा, इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, अगर आप सीधे सीधे x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ से बेटा x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 16 मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू करोगे तो ये 3 मिल जाएगा। आपको चाहिए x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ हमने प्लस 2 किया तो ये आपका 20 हो गया। और इसकी बात अगर आप करते हैं तो ये हो गया बेटा x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया, x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर मिल गया, यहाँ से हो गया 20। और बेटा देखो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा, जिसको आप क्या लिखेंगे, 2√5 लिखोगे, यानी ऑप्शन बी सही है बेटा। और अगर इस फार्मूले से कर रहे थे तो यहाँ से और आसानी से कर सकते हैं, 4² + 4 हो जाएगा बेटा, ये 16+4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आप ये निकाल सकते हो। दोनों मेथड से, दोनों आइडेंटिटी से आप इसको कर सकते हो बेटा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा। यहाँ पर देखो बेटा सीधा सा है, एक ट्रेन की स्पीड दे रखी है और वो 300 मीटर लंबाई उसकी है, तो खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट बेटा, जब हमें समय निकालना होता है ट्रेन को, खंभे को, पेड़ को, या फिर बेटा किसी आदमी को पार करना होता है, तो उसे अपने ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होती है। ट्रेन की लंबाई बेटे बेटा हम ट्रेन की चाल लिखते हैं, ट्रेन की चाल लिखते हैं। लंबाई तो बेटा यहाँ कितनी है, 300 मीटर दे रखी है आपको, और आपसे क्या पूछा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे से बेटा, तो इसे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है। मीटर मीटर से कैंसिल हुआ, 18 3 54 हो गया बेटा, 5 3 15 2 30 हो गया बेटा 20, यानी यहाँ से बेटा डायरेक्टली आपको 20 सेकंड मिल जाता है। इस टाइप से आपका ऑप्शन बी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा क्वेश्चन, एक मिनट पढ़िएगा। ए बी सी बेटा किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में करते हैं। ए बी सी बेटा किसी काम को क्या करते हैं, 10 दिन में करते हैं। एक दिन में काम इनका अगर आप निकालना चाहोगे बेटा, इनका एक दिन का काम अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/10 हो जाएगा। और अगर 4 दिन काम करके ये छोड़ देते हैं, 4 दिन काम करने का मतलब 4/10 काम कर लेते हैं बेटा, इसका मतलब क्या आया, 2/5 आया। और अगर बेटा यहाँ से हम लोग शेष काम इनका निकाल दें तो 1 - 2/5 हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 3/5 वर्क यही उनका बचा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, बी और सी शेष काम को 10 दिन में कर लेते हैं, बचे हुए काम को 10 दिन में कर लेते हैं बेटा। तो सीधा सा मतलब हुआ, 3/5 काम को बी और सी बेटा कंप्लीट करते हैं कितना, 10 दिन में, ठीक है। तो एक काम को बी और सी मिल करके कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे बेटा, इस बात को सॉल्व करेंगे बेटा। 3/5, ये बात समझ में आ गई, यहाँ से 5 में 2 घटाए बेटा, आपने क्या मिला, आपको मिल गया बेटा 3/5। और 3/5 काम करते हैं जब वो 10 दिन में, ठीक है। तो एक काम करने में उनको समय कितना लगे बेटा, 5/3 लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बेटा, 50/3 आ जाएगा, यानी पूरा काम करने में बी और सी को मिल करके 50/3 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है अगर वो सब लोग एक साथ काम करें तो ए लोन ए कितने दिनों में कर पाएगा। तो जरा आप सीधे सीधे देखो बेटा, ए का जब ए बी सी तीनों करते हैं, तीनों एक दिन में करते हैं बेटा, तो 1/10 करते हैं, कितना करते हैं, 1/10, ये बात समझ गए। फिर इस तीनों के एक दिन के काम में से इन दोनों का एक दिन का काम निकाल देंगे, किसका, बी और सी का, ये क्या हो जाएगा बेटा, -3/50 आ जाएगा, ये आपका 50 LCM हो गया, 10 5 जो हो गया बेटा,
और ये आपका 3 हो जाएगा, यानी 2/ कितना आ गया बेटा 50। एक दिन का काम 2/50 हो गया, तो पूरा काम अकेले करने में जो एक को समय लगेगा बेटा वो 50/2 हो जाएगा, दैट विल बी 25। यानी ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत ही है बेटा अच्छा क्वेश्चन है, सीआई से रिलेटेड है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बेटा, कोई पैसा कोई धनराशि बेटा 3 साल में दोगुनी हो जाती, यानी 2 times हो जाती। फिर आपसे क्या पूछा गया, अगर उसी दर से वह धनराशि कितने दिनों में बेटा 16 times हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो बेटा, इस 16 को हम फैक्टराइज करते हैं उस टाइम के टर्म से, इसको लिखते हैं बेटा 2^4। क्या लिखते हैं? 2^4। याद रखना बेटा, ये आपका टाइम होता है, पावर होती है, ठीक है। हम लोग इसी को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12 years मिल जाता है, यानी 12 years में आप देखेंगे वो अमाउंट बेटा क्या हो जाएगा, 12 years में आप देखेंगे तो ये अमाउंट बेटा आपका क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर का है बेटा, ये बहुत ही बेटा क्वेश्चन है, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो 0.6 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 6/9, और 7 को आप लिखो बेटा 7/9। यह कितना, यह है बेटा 8/9, और यह कितना हो गया 3/9। इसको आप सबको ऐड कर सकते हैं, 8, 7, 15 हो गया, 5, 20, 3, 4 क्या हो गया, 21, 3, 24 हो गया बेटा, ये 24 यानी 24/9 हो गया, 3, 8 हो जाएगा और 3, 3 हो जाएगा। इसको जब आप कहेंगे 3, 2 6 यानी 2 and 2/3, इट्स योर आंसर बेटा, यानी ऑप्शन सी इज राइट हो गया। इस टाइप से आज के मॉडल पेपर में बस इतना ही, अगले मॉडल पेपर में हम फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हैं हकदार तो MKC बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ। फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत का सौर गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल्सी क्लासेस लेके आया है SC/ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम में 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर कीजिए majorkalsiclasses.com/scholarship पर, और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। वेलकम टू MKC ऑनलाइन क्लासेज। आप लोगों के समक्ष MKC लाया है ये आर्मी GD के लिए, और उसमें GS का प्रश्न यानी GK का प्रश्न आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ इसमें और सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें आप देखो, GK के प्रश्न जो आते हैं साधारण आते हैं, सिंपल आते हैं, और इन सिंपल प्रश्नों का एक्सपेक्टेशन बताया गया है कि इस तरह के प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो मे भी ये भी आ सकता है, और इस तरह के अन्य क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम देखें तो दिया हुआ है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया, जैसे तांबा, चांदी, कांसा, पीतल। उसमें इंग्लिश मीडियम में भी देखो तो विच मेटल वाज यूज फर्स्ट बाय ह्यूमन, यानी कॉपर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास। तो इसमें आप देखो जो आंसर है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने जिसकी उपयोग किया वह था कॉपर, यानी कॉपर बनाया, फिर कॉपर से बाद टिन मिला, टिन को ही मिला दिया, टिन और कॉपर मिला करके उसने ब्रॉन्ज को बनाया। तो इस तरह से आप ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो पहला आपको मेटल यूज किया गया था वह था आपको कॉपर, तो आपका आंसर इसमें ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था। तो देखो इसमें सिंपल है, खजुराहो टेंपल वेयर बिल्ड ड्यूरिंग द ये रूलिंग पीरियड ऑफ, यानी चोलाज, पल्लव, चंदेल एंड कुषाण। तो रियल में ये चूंकि खजुराहो एक तरह से ये शॉर्ट टाइम के लिए कैपिटल भी थी, वैसे कालिंजर कैपिटल थी चंदेल डायनेस्टी की, तो चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था, और खजुराहो के मंदिर बहुत ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, और इम्पोर्टेंस इसलिए कि ये मंदिर आपको इस पर बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रभाव था।
बौद्ध धर्म के बज्रयान शाखा में, और इसमें एक तरह से आप वहाँ के मंदिरों में जाकर के देखो, इन मंदिरों का निर्माण ये आपको 950 से लेकर 1050 के बीच यानी लगभग 100 वर्षों में किए गए और कई शासकों ने किया। और एक तरह से देखें तो इसकी शुरुआत करने वाला शासक प्रमुख रूप से धंग देव था, और धंग देव के काल से इसमें बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखाई दी और बज्रयान शाखा का प्रभाव होने के कारण इसमें इसके मंदिरों की दीवारों पर कामुक दृश्य आपको दिखाई देते हैं। ये बज्रयान शाखा यानी बौद्ध धर्म के बज्रयान शाखा का प्रभाव है। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। थर्ड क्वेश्चन देखें, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। वैसे तो इसमें कई तरह के विवाद है कि, या क्वेश्चन पहले पूरा देख लें, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने, यानी द गेम ऑफ पोलो वाज ये पॉपुलराइज्ड इन इंडिया बाय द ग्रीक्स, द ब्रिटिश, ये द तुर्क्स एंड द मुगल्स। तो इसमें इस विवाद है कि वास्तव में पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया, और पोलो के विषय में यह भी बात है कि इंडिया में भी इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह आपको ईरान में इसका प्रचलन सबसे पहले हुआ था और बाद में तुर्कों ने उससे सीखा, और इंडिया में जब आपको तुर्क आए यानी तुर्क इन्वेजन हुआ तब यहाँ तुर्की सत्ता स्थापित हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो तुर्कों ने ही पोलो खेल को यहाँ पर पॉपुलराइज किया। और साथ ही साथ आप यह भी जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, ये जब लाहौर में पोलो खेल रहा था उस समय घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। तो यह आपको प्रमाणित करता है कि यहाँ पर पोलो खेल आपको पॉपुलराइज करने का काम तुर्कों ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, यानी दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर, या वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह, तो दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। इसमें आप देखो कि सासाराम से बहुत ज़्यादा लगाव था शेरशाह सूरी का, और शेरशाह सूरी के पिता को, हसन को, सासाराम में ही ज़मींदारी मिली थी और यहाँ का ये सेटलमेंट उसने लगभग 20-21 वर्षों तक देखा था और इसका इससे एक्सपीरियंस भी था। और जब यह शासक बना शेरशाह सूरी, यानी 1540 से 45 के बीच में था, उस समय भी उसने जो एक्सपीरियंस आपको प्राप्त किया था सासाराम के जमींदारी से, ये ग्राम प्रशासन से या उसकी लैंड रिवेन्यू सिस्टम से, उसको यहाँ पर पूरे अपने साम्राज्य में लागू किया। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और ये एक झील के बीच में है और ये अष्टकोणीय है, यानी 8 कोण इसमें दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यह भी इसकी एक विशेषता है कि यह हिंदू मुस्लिम संस्कृति का, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम संस्कृति का एक संयुक्त या समन्वित रूप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दिगंबर, गोवंधर कुंवर, शंभूपाल, दुर्जन सिंह। तो हु हैड लेड द इंडिगो रिवेल, दिगंबर, वहीं आपका सबके सब आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नील आंदोलन की शुरुआत इंडिया में 1859-60 में हुई, 60 में हुआ था, और ये 1857 के रिवोल्ट के जस्ट बाद हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए उस समय जब भारत का वायसराय था,
लॉर्ड कैनिंग वह इस बात को बड़ा महत्व देता था, यानी इसे भी यह समझता था कि वह कहता था कि मुझे जितनी चिंता 1857 की विद्रोह की थी उतनी ही चिंता इस नील आंदोलन की थी, और इस तरह से इसको ये आपको नेतृत्व प्रदान किया दिगंबर विश्वास और उस एक और विष्णु विश्वास नामक दो एक तरह से नील की खेती में यानी नील की खेती करने वाले एक कर्मचारी थे उसमें, और इन्हीं लोगों ने इस नील आंदोलन का नेतृत्व किया और एक तरह से बहुत बड़ा ये आपको 1857 के विद्रोह के बाद बहुत बड़ा और साथ ही साथ वैधानिक तरीके से किया गया आंदोलन इसको माना जा सकता है। तो नील आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर ने किया था, ये आपका आंसर हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुविख्यात गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार है? पहला मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निर्वाला, माखनलाल चतुर्वेदी, श्यामलाल पार्षद। द पॉपुलर सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा हैज बीन कंपोज्ड बाय, वही आपके सबके सब ऑप्शन हैं। तो देखो यह तो जीके टाइप का क्वेश्चन है ही, और ये कि कौन आपका नेशनल एम्ब्लेम है, कौन आपका नेशनल सॉन्ग है, कौन आपका नेशनल एंथम है, और आपका कौन आपका नेशनल कैलेंडर है, और साथ ही साथ आपको इस तरह के जो गाना है वह भी आपको इससे रिलेटेड है। तो श्यामलाल पार्षद झंडा ऊंचा रहे हमारा का के रचनाकार हैं, और आप भी जानते हो कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है, और भारत भारती उनकी एक किताब थी, वह किताब स्वतंत्रता आंदोलनकारियों को बहुत ही उद्वेलित करती यानी प्रोत्साहित करती थी, और किस तरह से भारत माता को ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो जंजीरों में जकड़ दी गई थी उसको बाहर निकाला जाए, इसलिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। और आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी बहुत बेहतरीन आपको कवि माने जाते हैं, और साथ ही साथ इनके द्वारा लिखी गई ये बहुत सारी आपको रचनाएं हैं, और उन रचनाओं में विशेष रूप से हम देखें तो आपको जो राम की शक्ति पूजा है वह यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देती है, और एक तरह से नाम तो भले ही राम की शक्ति पूजा है बट राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करने वाली ये कविता मानी जाती है, यानी ये आपको इसके रचनाकार श्यामलाल पार्षद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ये कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वीमर संविधान की, अमेरिका के संविधान की। द इमरजेंसी पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच कंट्री, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। तो इसमें आप देखो कि ये जब हमारे भारतीय संविधान बनाने शुरू किए गए तो उसमें भारत से या अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको एक्ट लाए गए थे उससे भी लिया गया, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की उस समय जितने भी आपको संविधान थे उन संविधानों को ठीक ढंग से इसका स्टडी भी किया गया, और स्टडी करके जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत के कल्चर के अकॉर्डिंग, भारत के राजनीतिक स्थिति के अकॉर्डिंग जो बेहतर था उसको लेने का प्रयास किया गया, और उसमें ये चारों देशों से आपको कुछ न कुछ लिया गया, लेकिन जो इमरजेंसी का प्रोविजन था वह जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। तो आपका आंसर इसमें सी होगा, यानी जर्मनी के वीमर ये संविधान से ये प्रोविजन लिया गया। एक नंबर क्वेश्चन देखें, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधानसभा। द गवर्नर इज अकाउंटेबल टू हुम? द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर एंड
लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरह से आप देखो कि इसमें ये सारी बातें हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट वैसे तो आपको कैबिनेट के ये आपको रिकमेंडेशन के आधार पर ही करता है, लेकिन वह करता है कौन? राष्ट्रपति। और यह भी बात है कि गवर्नर को हटाने की किसी प्रकार का प्रोविजन नहीं दिया गया है, वह अकाउंट ये आपको प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राष्ट्रपति के, तो वह उसी के प्रति अकाउंटेबल होगा, यानी उनको हटाने के लिए ये राष्ट्रपति का ही आदेश जाएगा और वहाँ से वह चले आएंगे, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी राष्ट्रपति के प्रति होती है। और ये भी होती है कि अप्रोक्सीमेटली 15 डेज पर जो स्टेट में बातें हो रही हैं, वहाँ के प्रशासन में क्या प्रोग्रेस है, इसका भी आपको रिकमेंडेशन देना पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट देनी पड़ती है, आपको ये प्रत्येक 15 दिन के बाद प्रेसिडेंट को। इसलिए राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रति अकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। डायमंड रिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, यानी द फेनोमेनन ऑफ डायमंड रिंग अकर्स ऑन एवरी फुल मून डे, एवरी न्यू मून डे, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। तो देखो इसमें मुख्य बात होती है कि जब सूर्य ग्रहण होता है यानी सोलर इक्लिप्स होता है, तो और वह भी ये आपको पूर्ण चंद सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय उसका कोरोना जो होता है वह आपको बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है, और बिल्कुल ये गोला होता है, इसलिए यह आपको डायमंड की भांति ये आपको ब्राइट होता है, चमकता है, इसलिए इस घटना को ये डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य ग्रहण के दिन ही आपको डायमंड रिंग की घटना घटित होती है। टेन क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? फ्रॉम वेयर द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेज, यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो देखो ये जो घटना घटित होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, वह आप जिसे आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी है और इसका 0 डिग्री से लेंगे, यानी आपको जीएमटी को लेंगे, यानी मेरिडियन, यानी आपको प्राइम मेरिडियन को लेंगे, तो इधर से आपका 180 डिग्री यहाँ होगा और इधर से आपका 180 डिग्री 180 डिग्री यहाँ होगा, यानी ये आपका वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। लेकिन ये तो आपको जीएमटी से निर्धारित किया जाता है, और इधर आपको टाइम प्लस हो जाता है, इधर आपका टाइम माइनस हो जाता है, जिसके कारण इधर पीएम होता है और इधर आपको एएम होता है। बट जब इंटरनेशनल डेट लाइन की बात आती है, तब इस पूरे ग्लोब को अगर हम दो टुकड़े में कर दें और ये 180 डिग्री और 180 डिग्री को दोनों को इस रूप में हम जोड़ दें, तो ये ऐसे दिखाई देता है, और यानी ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय ये तिथि रेखा है, दिनांक रेखा है, यानी 180 डिग्री से इंटरनेशनल डेट लाइन आपको पास करती है। तो आपका आंसर होगा इसमें बी। इलेवन क्वेश्चन, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ये भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, यानी स्वेज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विथ रेड सी, मेडिटेरियन सी विथ कैस्पियन सी, रेड सी विथ इंडियन ओशन एंड मेडिटेरियन सी विथ
इंडियन ऑप्शन। तो स्वेज नहर जो जोड़ती है वह आपकी है कि ये इधर मेडिटेरेनियन सी है और इधर से आपको रेड सी है। तो ये दोनों के बीच में, यानी ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और जो आपको यूरोप और फिर इधर आकर के एशिया से कनेक्टिविटी को बहुत ज़बरदस्त बना देती है, और जिसके कारण यह हमेशा व्यस्ततम ये आपको नहर मानी जाती है। बहुत सारे वर्ल्ड के सीप यहाँ से गुजरते हैं और ये ट्रेड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली, तो भैया इसमें दिया है हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई। विच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली? तो हैदराबाद, बेंगलोर वहीं आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सिलिकॉन सिटी के नाम से, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है आपका बंगलोर। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कंप्यूटर का विकास वहाँ पर शुरू होता है, वहाँ के लिए चीप वगैरह की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था, जिसके कारण बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अब इसमें भी जी के टाइप का क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? वियना, लियोन्स, ब्रुसेल्स, कोई नहीं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ये इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल सिचुएटेड? वियना, लियोन्स, ब्रुसेल्स एंड नन। इसमें इसका हेडक्वार्टर आपको लियोन्स है, लियोन्स में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, और ये अंतर्राष्ट्रीय जो भी आधार पर क्राइम्स होते हैं इसको यह देखता है और एक दूसरे देश को सुपुर्द करता है। ये बहुत ही ये अच्छी पहल मानी जाती है पूरे वर्ल्ड के लिए, कारण कि वर्ल्ड में अगर सब तरह के, अगर पूरे वर्ल्ड को कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या उसके व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जब यूएनओ की स्थापना हो सकती है, तो इससे आपको संगठन की भी स्थापना हुई, जिसके कारण आपको एक एक देश के, यानी एक देश के अपराधी अगर दूसरे देश में चले जाते हैं तो इंटरपोल के माध्यम से उसे प्रत्यर्पण कराया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा इसमें लियोन्स। यह भी आपका फोल्क डांस से रिलेटेड है, यानी गरबा लोक नृत्य किस राज्य का है? 14 क्वेश्चन, राजस्थान, मणिपुर, गुजरात, असम। यानी गरबा इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? तो आपका इसमें गरबा जो खेला जाता है, डांडिया जो खेला जाता है, सबके सब आपको गुजरात में खेला जाता है। तो गुजरात में आपका गरबा बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आपका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यानी वेयर इज दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये रहे आपके 15 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं, और इस पर नज़र आपकी बनी रहनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप है हकदार तो MKC बढ़ा रहा है आपकी तरफ मदद का हाथ। फौज का सपना देखने वाले, वर्दी की चाह रखने वाले, मेहनत का स्वर गरीब बच्चों के हौसलों को उड़ान देने के लिए मेजर कल्सी क्लासेस लेके आया है SC/ST एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आप 90% तक की फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम में 9th, 10th, 11th, 12th और ग्रेजुएशन तक के सभी कैंडिडेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह एग्जाम हर संडे को कंडक्ट किया जाता है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और आज ही रजिस्टर्ड कीजिए majorkalsiclasses.com/scholarship पर, और अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9696330033 पर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKC, मैं देवेश मौर्य। तो आज आपको हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं उसके लिए बायो से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। तो एज ए मॉडल पेपर के रूप में, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है
तो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहा है कि नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाइल्यूट टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। मतलब क्या कह रहा है कि वहाँ पे कि लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से अगर हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। और किसके थ्रू चलेगा, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चलता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूज़न एक होता है, तो डिफ्यूज़न में जब आप लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या डिफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी पदार्थ क्या होगा हायर से क्या होता है लोअर की तरफ जब चलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। और ऑस्मोसिस भी क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न ही होता है, लेकिन इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी सब्सटेंसेस क्या होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो दैट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है सेकेंड, तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन्स आर करेक्ट, यानी विटामिन्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी विच स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्ट अबाउट विटामिन्स। पहला क्या है कि विटामिन सी इज इसेंशियल टू मेक कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, यानी कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन के लिए विटामिन सी नेसेसरी होता है। तो अगर देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन ये करेक्ट है। अगला क्या कह रहा है कि विटामिन डी इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट, तो विटामिन डी को कहा जा रहा है कि ये नेसेसरी होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ आई पिगमेंट। तो विटामिन डी क्या होता है, कैल्सीफेराल यानी कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए, जो बोन के फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी होता है, दैट इज ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गया। अगला कह रहा है कि विटामिन बी 12 हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ आरबीसी, यानी जो विटामिन बी 12 होते हैं वो हेल्प करते हैं आरबीसी के मैच्योर होने में, तो ये स्टेटमेंट भी आप सही होंगे। जब विटामिन बी 12 का फंक्शन पढ़ते हैं तो विटामिन बी 12 में बताया जाता है कि यह क्या होता है, आरबीसी के मैच्योर में हेल्प करता है। क्लियर हो गया ये भी स्टेटमेंट। अगला कह रहा है विटामिन सी इज रिक्वायर्ड टू मेक यूज ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो विटामिन सी यहाँ पे इसका यूज नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो यानी स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया, वन एंड थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। अब इसी को हम लोग हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या है, तो हिंदी में देखा गया हिंदी में जब पढ़ते हैं तो विटामिन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि विटामिन सी शरीर में समुच्चय वर्धक कोशिकाओं के निर्माण में, मींस यहां पे आपको दिया गया पहला स्टेटमेंट आपका सही है। विटामिन डी आपको बताया गया कि ये गलत था, थी यानी विटामिन तो लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्वता में सहायक होते हैं, ये गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वन एंड थर्ड सही है, तो दैट इज यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच आपको कराना है लिस्ट ए विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो मैच करा करके सेलेक्ट आंसर करेक्ट आंसर को हमको सेलेक्ट करना है। तो प्रोटीन्स क्या होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, पहला पॉइंट ध्यान देंगे। लिपिड्स जो होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसराल से मिलकर के बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है
वो किससे मिलकर बनता है? नाइट्रोजनस बेसिस एंड पेंटोज सुगर से मिलकर के बना होता है। इसी तरीके से प्रोटीन अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेसिस और लिपिड आपका क्या है, ये हो गया। तो मैच कराना है तो मैच का क्या हो गया, तो राइट आंसर हम लोग क्या सर्च कर लेंगे, तो ए का क्या हो गया, फोर्थ हो गया। बी का क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड हो गया। सी का जब हम लोग देखते हैं न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट हो गया। डी का हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग मैच करा लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो चेक कर लिया जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए का फोर्थ, तो ए का फोर्थ इधर है, चलिए ए का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, डी का सेकेंड हो गया, तो यानी डी क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट प्रोसेस इट्स ऑन जेनेटिक मटेरियल इनकोडिंग प्रोटीन, मतलब ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के पास तो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, माइटोकांड्रिया के भी पास प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के भी पास डीएनए पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकांड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी डीएनए पाया जाता है। तो इसका मतलब ये जो आपका राइट आंसर होगा राइबोसोम, राइट आंसर होगा कि राइबोसोम में अपना खुद का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि इफ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर ए गिवन प्लांट इज रिप्रेजेंटेड बाय यन, तो इन केस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन द जायगोट एंड द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ द डायप्लॉयड प्लांट वुड हैव हाउ मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम रिस्पेक्टिवली। तो इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्लांट में तो क्या पाया जाता है, इम्ब्रियो सैक पाया जाता है, क्या प्रेजेंट होता है, इम्ब्रियो सैक पाया जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी सेल्स होती हैं सब हैप्लॉयड होती हैं, सब क्या होती हैं, सब हैप्लॉयड होती हैं। अब इसी के अंदर क्या आता है, मेल गैमिट आता है, क्या आता है, मेल गैमिट आता है, और इसी को हम बोलते हैं एग सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, एग सेल। ये कैसा हैप्लॉयड होगा, ये क्या होगा कि ये मेल गैमिट होते हैं, ठीक है। और जब मेल गैमिट और एग सेल दोनों फ्यूज करते हैं, ये दोनों जा करके फ्यूज कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो जायगोट बनता है। और जायगोट याद रखना है कैसा हो जाता है, 2N बन जाएगा, यानी यन इधर से मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट दोनों फ्यूज कर जाएंगे। अगला जो मेल गैमिट होगा तो देखें यहाँ पे यन होगा, यहाँ पे यन, तो यन प्लस यन, और ये मेल गैमिट इसी के साथ फ्यूज कर लेता है तो एक यन और आ जाता है, तो क्या हो जाता है, 3N, और ये क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। तो क्या बनाता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो उसी तरीके से तो यदि दिए गए एक पादप में गुणसूत्रों के एक सेट को यन द्वारा दर्शाया गया है, जब द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो द्विगुणित पादप के युग्मनज और भ्रूण पोष का क्या होगा, तो इंडोस्पर्म को भ्रूण पोष कहेंगे, जायगोट को युग्मनज कहेंगे। तो पहले क्या पूछा जा रहा है, युग्मनज में क्या होगा, फिर भ्रूण पोष में क्या होगा, यानी इंग्लिश में जब जाएंगे तो जायगोट एंड इंडोस्पर्म, तो जायगोट हमारा 2N होगा, इंडोस्पर्म क्या होगा हमारा, 3N होगा। तो दैट इज राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स में प्ले ए रोल इन एक्सपेलिंग ऑफ एक्सेस वाटर एंड वेस्ट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प करता है? एक कोश की जीवों में की स्थिति में अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासित करने में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक एक भूमिका निभा सकता है? तो वहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, वैक्यूल्स होता है। और वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डस्टबिन ऑफ सेल कहते हैं। ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, एक्सेज वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गॉल्जी बॉडीज जो होती है प्रिकर्सर ऑफ सेल डिवीजन होती है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्लड कैरीज आउट ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफेंस, मतलब कौन सा ब्लड में ऐसा पार्ट है जो डिफेंस का काम करता है। तो डिफेंस का काम करने वाला जो हमारे शरीर में होता है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, डिफेंस का वर्क करती हैं, यानी सुरक्षा देने का काम करती हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा, विच इंडोक्राइन ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन। सीधा सा है कि मतलब कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है आयोडीन की रिक्वायर्ड होती है टू सिंथेसाइज ए पार्टिकुलर हार्मोन हुज डिफिशियंसी में कॉज ग्वाइटर। तो आपको पता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है तो थायराइड ग्लैंड्स से थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा डिजीज हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। तो यानी आपको क्या हो गया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर एंड डिजीज आर करेक्टली मैच्ड, मतलब यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ वेक्टर है जो करेक्टली मैच्ड कर रहा है। तो आपको पता है कि जो एनाफिलीस मॉस्किटो होती है उससे मलेरिया डिजीज होता है, तो ये दैट इज करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्या है, एडीस इजिप्टी जो होती है उससे क्या होता है, चिकन गुनिया डिजीज होती है, ये भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात आती है सीसी फ्लाई, तो सीसी फ्लाई जो होती है तो उससे फाइलेरियासिस डिजीज नहीं होता है, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। जब आप पढ़ते हैं तो ये जो फाइलेरियासिस डिजीज है उसको फैलाने का काम कौन करता है, क्यूलेक्स, स्पेशली कौन सा मच्छर, यानी क्यूलेक्स का लीजिएंगे, ठीक है, या प्लाज्मोडियम और जो वहाँ पे उसका जो पैथोजेन है, ठीक है, जिसके द्वारा डिजीज काज होता है, तो प्लाज्मोडियम फालसी पैरम, ठीक है, उसके भी द्वारा वहाँ पे फाइलेरियासिस जो होता है बुचेरिया वैन क्रॉप्टी के नामक यानी पैथोजन के द्वारा होता है। तो इसको वेक्टर फैलाने का काम कौन करता है, क्यूलेक्स मॉस्किटोस इसको वेक्टर के रूप में यानी काम करता है। फिर बात आता है बेड बग्स से स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है, तो सीसी फ्लाई जो होती है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, और जो बेड बग्स होता है उससे चौगोस यानी डिजीज होती है, यानी बेड बग्स से क्या होता है, चौगोस डिजीज पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनाफिलीस ये आपका सही है, ये आपका सही है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, तो इसका मतलब राइट आंसर कौन हो गया, 1 और 2। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 और 2 है कि नहीं, तो जब ऑप्शन में हम लोग चेक करते हैं तो ऑप्शन में क्या होगा, 1 और 2 ओनली, यही क्या है आपका करेक्ट मैचिंग है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहां पे कि पोलियो डिजीज कॉज्ड बाय, तो पोलियो डिजीज किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया है कि फंजाई है, तो पोलियो डिजीज क्या है, वायरस होता है, यानी वायरस के द्वारा पोलियो डिजीज पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो से रिलेटेड थे। ओके, थैंक यू। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं, इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए। एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330031। गुड इवनिंग माई ऑल डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जो कि सोल्जर एंट्री में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन है और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड या लगभग बेटा यही क्वेश्चन अक्सर घुमाकर क्वेश्चन को पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए इस पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ सभी स्टूडेंट बिल्कुल स्ट्रिक्टली से लगेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बेटा हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा आप देखिए कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटास एलम। हमारे सारे स्टूडेंट जो 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे हैं, उन बच्चों को पोटास एलम के फार्मूले अक्सर बच्चों को याद होता है, ठीक है। फिर भी अक्सर क्या होता है, क्योंकि फार्मूले थोड़े से लार्ज होने की वजह से अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइए उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ पोटास एलम, हिंदी में बोले तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। हमारे पास बेटा चार ऑप्शन दिया गया है, K2SO4 into MgSO4, दूसरा दिया है बेटा K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O, दूसरा है बेटा तीसरा Na2SO4 into 10H2O, और चौथा बेटा हमारे पास जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये फार्मूला याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग हमसे पूछते हैं। तो बेटा यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। ओके, ये अपने आप में बेटा एक डबल सॉल्ट होता है, ठीक। आइए हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला बेटा हमारा क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान देखिए क्वेश्चन है इन फ्लोराइड आयन। बेटा F- को आप लोग जानते हो कि F के ऊपर जब कोई चार्ज लगता है तो वो एनायन उसको रिप्रेजेंट करता है, और बेटा जब किसी मेंबर के ऊपर, किसी एटम या परमाणु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है तो उसे हम लोग कैटायन के केस में लाते हैं, मतलब धनायन को लाते हैं, ठीक। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि बताइए इन फ्लोराइड आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन। हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि जितना उसका बेटा एटॉमिक नंबर होता है, अगर खुद सोचो कि ये चार्ज ना होता तो बेटा हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये कब होता है, जब हमारा कोई एटम, कोई परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक। और आप ये भी को आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितना उसका बेटा एटॉमिक नंबर होता है, बोले तो परमाणु क्रमांक होता है, वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने का केवल एक ही कारण हो सकता है, वो है इलेक्ट्रॉन के नंबर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, ठीक। तो अगर बेटा इसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर 9 है, दैट मीन्स इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, 9 होगा। बट अगर एटम न्यूट्रल होता, इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप ना होता,
तब हम लोग बेटा यहाँ बोल सकते थे कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो भी बेटा क्या होगा, 9 होगा। बट आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर एक सिंगल माइनस चार्ज लगा है। हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि किसी भी एटम के ऊपर जब निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हुई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा कहीं ना कहीं डोमिनेट कर गया होगा। ओके, तो अब देखिए सामने कि माइनस वन लगने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसके पास एक्सेस में होगा, दैट इज वन। यहाँ पर आप ऐड करोगे तो बेटा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा डियर, वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इन क्वेश्चन में अगर आपको अगर आपको राइट आंसर देखना है तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक है, आइए बेटा इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग डील करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा हम लोग डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कि इन सोडियम क्लोराइड बॉन्ड इच, हिंदी में बोले तो सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। हमारे बच्चे जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कराते हैं, अक्सर ये एग्जाम्पल एग्जामों में दिया जाता है या किताबों में या स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि एक सोडियम मेंबर होता है बेटा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2.8.1, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेटा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक, अब ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन हटा देना, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि कोई भी एटम, कोई भी परमाणु तभी एग्जिस्ट करता है जब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता हो, अष्टक नियम को फॉलो करता हो। अष्टक नियम बोले तो बेटा किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा चाहेगा कि अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर ये बाहर कर दे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बेटा यहां से हटा दे, तो इसका आउटर मोस्ट सेकंड बन जाएगा, मतलब सबसे बाहरी जो कोस होगी वो बेटा 8 बन जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा क्या करता है, अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन को हटाता है और एक इलेक्ट्रॉन को हटाने पर इसके ऊपर चार्ज डेवलप आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दूसरा बेटा हमारे पास जो मेंबर है दैट इज क्लोरीन। तो ये क्लोरीन का बेटा कॉन्फिग्रेशन आप पढ़ चुके होंगे, 2.8.7, कितना होता है डियर, 2.8.7। ठीक, वही बात फिर से आ गई कि आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड देयर इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोले तो किसी भी परमाणु का बेटा जो सबसे बाहरी कोष होता है उसे हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, संयोजक कोष बोलते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे बेटा हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन बोला करते हैं। ठीक है, तो अगर देखिए अब इसके पास ये पॉसिबिलिटी है अपने पास को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की, तो देखिए ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करना इजी था, रिमूव करना यहाँ से इजिली होगा था, अगर इस 7 इलेक्ट्रॉन को लेता तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगती, इसलिए बंदा ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव कर दिया। बट अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें बेटा, तो क्लोरीन में देखिए कि 7 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से ये 7 इलेक्ट्रॉन हटाएगा तब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या होगा, 8 बने सेकेंड बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन 8 होंगे, लेकिन ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन को इजिली कैप्चर कर लेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है बट एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना इजिली होता है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कैप्चर करेगा और कैप्चर करने पर बेटा इसका फॉर्मेशन हो जाएगा Cl-, मतलब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ गया तो बेटा ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ध्यान देखिए, क्योंकि ये कैटायन और एनायन की वजह से बॉन्ड बना है, बोले तो आयंस की वजह से बॉन्ड बना है, इस वजह से बेटा इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर, आयनिक बॉन्ड का बेटा एक नाम और होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कभी भी एग्जाम्पल में आयनिक की जगह इलेक्ट्रोवैलेंट आए तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए हम लोग बेटा देर करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा हम लोग डील करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस यौगिक का सामान्य नाम सिरका होता है। इंग्लिश में बोले तो बेटा विनेगर इज द कॉमन नेम ऑफ, तो आप भी इसको अक्सर पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसका बेटा आंसर होता है यहाँ पर एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके कभी अगर मान लो फार्मूला दे दिया जाए तो इसका बेटा जो फार्मूला होता है वो CH3COOH हुआ करता है। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा मेटल आर, मतलब हिंदी में बोले तो धातु होते हैं, धातु होता है। तो आप पढ़े होंगे बेटा कि ऐसा मेंबर अगर कोई मेटल है तो मेटल की करेंसी हमेशा होती है बेटा
इलेक्ट्रॉन को अपने पास से बाहर करने की, मतलब वो अपने ऊपर बेटा क्या लाना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज। मेटल की एक टेंडेंसी होती है, मेटल का एक करैक्टर होता है, मेटल का एक चरित्र होता है कि वो अपने पास से हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। तो ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है टेंडेंसी टू गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना बेटा इलेक्ट्रॉन को गैन करने का काम केवल एक ही मेंबर करता है और वो होता है नॉन मेटल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यस ये हो सकता है, इसके बाद भी हम लोग चेक करेंगे आंसर को। दूसरा है बोथ, बोथ का मतलब ए एंड बी, तो आप जान गए कि ए हो नहीं सकता है और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि आपके पास एक आंसर मिल चुका है। तो बेटा आपका जो राइट आंसर होगा दिस इज द बी, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बेटा हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेटा हमसे केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, तो आइए इसे हम लोग डील करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए कभी भी कंफ्यूज हो, अक्सर क्या होता है कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट इंटू हाफ एच टू ओ, दिस इज द ड्राई हाइड्रेटेड और दिस इज द हेमी हाइड्रेटेड। तो बेटा कॉपर सल्फेट को हम लोग नाम बोलते हैं जिप्सम, क्या बोलते हैं बेटा जिप्सम बोला करते हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट इंटू हाफ वाटर या बोल सकते हो हेमी हाइड्रेट, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अक्सर बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है या जिप्सम का फार्मूला है। तो आप याद रखिएगा, आज के बाद नहीं भूलोगे। देखो पी फॉर क्या आ रहा, प्लास्टर आ रहा है, तो बेटा पी फॉर क्या होगा पार्ट, क्या बोलोगे पार्ट, ठीक है। तो प्लास्टर तो ही आप क्या समझोगे पार्ट, और पार्ट का मतलब होता है डिवीजन, पार्ट का मतलब क्या होता है बेटा एक डिवीजन। तो देखिए इस मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में डिवीजन आपको दिख रहा है, दैट मींस यही होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। हम लोगों ने 6 टाइप क्वेश्चन कर लिया जो कि एग्जाम में आए हुए बेटा सारे क्वेश्चन है। आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द मेटल आर यूज्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसा हमसे पूछा गया है कि ऐसा कोई ऐसा मेटल जो एक अच्छे सुचालक की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह बेटा वो अच्छी तरीके से मूव करा सकता है, प्रवाह करा सकता है, वो बेटा हमारा मेटल होता है सिल्वर का। किसका होता है डियर, सिल्वर का होता है, ठीक है। किसका होता है सिल्वर का। तो याद रखना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा धातु एक अच्छे विद्युत के सुचालक की तरह प्रयोग किया जाता है, ओके। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर डियर 8। तो 8 में देखिए पूछ रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमसे पूछ रहा है सॉरी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आर, मतलब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपके पास बेटा 3 ऑप्शन दिख रहा है, जे जे थॉम्सन, ना क्योंकि जे जे थॉम्सन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ओके। दूसरा हमारे पास मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है बेटा हमारे पास रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज किया था, मतलब बेटा ये भी हमारे पास ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तीसरा है बेटा चैडविक, यस दिस इज द डिस्कवर बाय डिस्कवरर ऑफ द न्यूट्रॉन, मतलब चैडविक बेटा ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, दैट इज द राइट आंसर, ठीक। डी ब्रॉगली जो थे ये भी हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड साइंटिस्ट थे और इन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बताया था, तो फिलहाल अभी उसमें हमें डिस्कस नहीं करना है। तो आपका बेटा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज सी, ओके। चलो और बेटा आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉन्फिग्रेशन से डियर एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, अब वो एटम चाहे सल्फर का हो, चाहे कैल्शियम का हो, चाहे सोडियम का हो, या कुछ भी हो, कॉन्फिग्रेशन बेटा आना ही आना होता है। तो आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सल्फर देखिए बेटा एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, कॉन्फिग्रेशन करोगे तो आप जानते हो कि पहले सेल के अंदर, पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से बेटा इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 कॉमा। दूसरे सेल को बेटा हम लोग एल सेल बोलते हैं, एल कोष बोलते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है डियर वो कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे टाइप के कोष की, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं एम कोष। तो अब आप देखिए कि 2 और 8 मीन्स 2 और 8 टोटल बेटा कितने हो गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमको 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है,
ठीक है। तो यहां भी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको बेटा हम लोग क्या मान चलते थे, 8, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेटा ओनली फॉर 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से आप यहां पर क्या रखोगे 2, 4, 6। अब आप इसका राइट आंसर आप चूज कर लीजिए, पहला दिया गया बेटा 2, 8, 3, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर 13 आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा देखिए 2, 4, 8, 2, आप जानते हो कि जब तक हमारी सेकेंड सेल पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, अगले सेल में, अगले कोष में इलेक्ट्रॉन इंटर नहीं कर पाता है, इस वजह से डियर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो भी क्या होगा, गलत। हाँ, थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 2, 8, 6, यस दिस इज द राइट आंसर ऑफ सल्फर कॉन्फिगरेशन। ओके, तो हम लोगों ने बेटा 9 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, आइए हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ बेटा है, आइए हम लोग बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है विच एलिमेंट आर रिलेटेड विद एल्कली अर्थ मेटल। ओके, तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा एलिमेंट एल्कली अर्थ मेटल से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। तो आपको बेटा ये जानना चाहिए कि एल्कली अर्थ मेटल के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेटा ये टोटल 6 एलिमेंट हमारे एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, यस दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग, आज की वीडियो हम लोगों ने सीखा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सोल्जर इंट्री में आया हुआ होगा और जो आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330000 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।